हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन एंड इसके फीचर देख चुके थे। एंड आज हम फिर से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और सेकंड होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, तो इसमें सेल के जो लेयर होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं और इस तरह से होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसमें सेल्स के मल्टी लेयर होते हैं, जैसे कि इस तरह से वन लेयर हो गया, फिर इसका सेकेंड लेयर, फिर इस पर थर्ड लेयर, तो इस तरह के होते हैं। इसे कंपाउंड एपिथेलियम कहा जाता है। सिंपल एपिथेलियम के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो वन लेयर ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर सेल्स के होते हैं। और सिंपल एपिथेलियम के अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं, जो कि है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर फ्लैट टाइल लाइक विद इरेगुलर वेवी मार्जिन। इसमें क्या होता है, सेल्स के सिंगल लेयर होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, टाइल लाइक होते हैं। जिस तरह से टाइल फ्लैट होते हैं उस तरह से ये एपिथेलियम भी फ्लैट होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और इनके जो मार्जिन होते हैं, किनारे होते हैं, वो वेवी होते हैं, इरेगुलरली वेवी होते हैं। एंड आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। इस टाइप के एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम या टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज फ्लैटेंड एंड सेंट्रल, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो चिपटा होता है, फ्लैटेंड होता है और सेल के सेंटर में पाया जाता है। और बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। बॉडी में जहाँ जहाँ पे डिफ्यूजन होता है वहाँ ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। और ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं, ये टाइल लाइक है स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि चपटा है, टाइल लाइक है और इसका वेवी मार्जिन है, आप देख सकते हैं। एंड इसके एग्जांपल की बात करें तो ये बोमेन कैप्सूल ऑफ किडनी, एल्वियोलाई ऑफ लंग, मेसोथेलियम विच लाइन इंटरनल ऑर्गेन एंड इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इन सभी प्लेस पे इस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती हैं जो कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे आगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर क्यूब लाइक, इसमें भी सेल्स के सिंगल लेयर होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं एंड इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। एंड न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंट्रल में लोकेटेड होते हैं और इसका जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है। ये फिगर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, जिसमें कि ये सेल्स हैं जो कि क्यूब लाइक हैं, ये सिंगल सेल्स दिखाए गए हैं, क्यूब लाइक हैं एंड ये इसका न्यूक्लियस है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, एकदम बीच में सिचुएटेड है। एंड इसके एग्जांपल की बात करें तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड आयरिस, सिलियरी बॉडी, जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, एशिनाई ऑफ पेनक्रियाज, ग्लैंड डक्ट एंड थायरॉयड फॉलिकल्स। अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये स्पेशल टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि मॉडिफिकेशन में देखा जाए तो एक है ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो ब्रश बॉर्डर की तरह, ब्रश की तरह अपीयर होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स देन इट इज़ कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, उनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाया जाता है और इसी माइक्रोविलाई की वजह से ये ब्रश की तरह दिखाई देते हैं और इसलिए इसे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है।
और इसका एग्जांपल है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एंड आगे देखेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये भी एक टाइप्स का क्यूबॉइडल एपिथीलियम का मॉडिफिकेशन है जिसमें कि जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उनके फ्री एंड पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। व्हेन सिलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स देन इट इज कॉल्ड सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जब क्यूबॉइडल सेल्स के फ्री सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होता है तो इस टाइप के एपिथीलियम को सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहा जाता है। और इस एग्जांपल की बात करें तो नेक ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन प्लेसेस पे इस टाइप्स के एपिथीलियम पाई जाती हैं। और ये है इसका फिगर, आप देख सकते हैं ये क्यूब लाइक सेल्स हैं जिनमें कि ये सिलिया प्रेजेंट है, इसके फ्री एंड पे फ्री सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट है। तो ये है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। आगे देखते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम, ये थर्ड प्रकार का एपिथीलियम है जिसमें कि सेल्स जो होते हैं वो पिलर लाइक होते हैं, सेल्स आर पिलर लाइक। अभी हमने देखा स्क्वेमस एपिथीलियम जिसमें कि सेल्स चपटे होते थे, टाइल लाइक होते थे। फिर देखा क्यूबॉइडल एपिथीलियम जिसमें कि सेल्स क्यूब लाइक थे। एंड ये है कॉलमनर एपिथीलियम जिसमें कि सेल्स हैं पिलर लाइक। एंड ये जो टाइप चल रहा है वो सिंपल एपिथीलियम का चल रहा है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी टाइप्स के एपिथीलियम इसमें हम पढ़ रहे हैं लाइक सिंपल कॉलमनर, सिंपल स्क्वेमस एंड सिंपल क्यूबॉइडल, इनमें सब में सिंगल लेयर ही होंगे सेल्स के। तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं एंड एट बेस ऑफ सेल्स, ये बेस सेल्स के जो बेस होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। ये इसका फिगर है सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम का जिसमें कि आप देख सकते हैं ये पिलर लाइक इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं जो कि पिलर लाइक हैं। एंड इसके जो न्यूक्लियस हैं वो थोड़े इलोंगेटेड हैं एंड इसके बेस पे जो सेल्स का बेस है वहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। और इसका एग्जांपल की बात करें तो बाइल डक्ट एंड लीवर, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम का एग्जांपल है बाइल डक्ट एंड लीवर। एंड जैसे भी हम पढ़े क्यूबॉइडल एपिथीलियम तो कुछ क्यूबॉइडल एपिथीलियम में मॉडिफिकेशन होकर के कुछ एक अलग प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, उसी प्रकार से कॉलमनर एपिथीलियम में भी मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के टाइप्स हैं जिसमें है कि ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथीलियम, इसमें क्या होता है कि गोब्लेट सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन कॉलमनर एपिथीलियम, जो कॉलमनर एपिथीलियम होते हैं उनके बीच बीच में गोब्लेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गोब्लेट सेल्स आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, और ये गोब्लेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं जो कि कॉलमनर एपिथीलियम के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनर एपिथीलियम की जो सेल्स होती हैं बीच बीच में इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल है स्टमक, ये फिगर में आप देख सकते हैं ये है एक मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम जो कि ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथीलियम है। और इसके न्यूक्लियस देख सकते हैं बेस पे प्रेजेंट है एंड इलोंगेटेड, ये पिलर लाइक सेल्स हैं और ये सिंगल लेयर हैं सेल्स के। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोब्लेट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। तो ये ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथीलियम है। आगे देखते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथीलियम में क्या होते हैं जो कॉलमनर सेल्स होती हैं उनके फ्री एंड पे, उनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं जिसके वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो ब्रश की तरह दिखाई देता है। एंड इस टाइप की एपिथीलियम गॉल ब्लैडर में पाई जाती है। एंड ये इसका फिगर आप देख सकते हैं, इसका जो फ्री सरफेस है एपिथीलियम का वहाँ पे बहुत सारी माइक्रोविलाई हैं, छोटी 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 बहुत सारी माइक्रोविलाई हैं। एंड इसी की वजह से, माइक्रोविलाई की वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो ब्रश लाइक है। आगे देखेंगे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथीलियम, इसमें क्या होता है कि जो कॉलमनर सेल्स होती हैं उनके फ्री सरफेस पे ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ गोब्लेट सेल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स हो गए, कॉलमनर सेल्स जो कि पिलर लाइक सेल्स हो गए, तो इसमें किसी सेल्स, कोई सेल्स ऐसा होगा जिसमें कि जो कि ग्लैंडुलर होगा। एंड इट मीन्स कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिसमें कि गोब्लेट सेल प्रेजेंट होंगे और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जहाँ की माइक्रोविलाई डेवलप होंगे उनके फ्री सरफेस पे। तो कुछ सेल्स माइक्रोविलाई वाले होंगे एंड कुछ गोब्लेट सेल्स वाले होंगे। तो इस प्रकार से इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है और इसका नेम है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथीलियम।
When microvilli and goblet cells both are present on free end of cells, जब किस कॉल्यूमनर एपिथेलियम में माइक्रोविलाई एंड गोबलेट सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहा जाता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इंटेस्टाइन में इस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है। एंड इसके कॉल्यूमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन में ही एक है सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि जो कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं उनके फ्री सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होता है। When cilia are present on free end of columnar cells, then it is called ciliated columnar epithelium. जब columnar cells के free end पे cilia present होती है तो इस टाइप्स के epithelium को ciliated columnar epithelium कहा जाता है। And इसका example है fallopian tube. Fallopian tube में इस टाइप्स के epithelium पाए जाती हैं और ये इसका figure है, आप देख सकते हैं ये pillar like cells हैं, elongated cells हैं और ये इसका न्यूक्लियस है जो कि इस सेल्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस पे सिचुएटेड होता है। एंड ये सेल्स हो गए पिलर लाइक जिसके कि फ्री सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट है। तो ये है सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एंड इसका जो लास्ट टाइप्स है सिंपल एपिथेलियम का वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है कि इसमें सेल्स का सिंगल लेयर ही होता है लेकिन जो सेल्स के शेप एंड साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि ये देखने में मल्टी लेयर्ड लगते हैं, मोर देन वन लेयर प्रतीत होते हैं। तो दिस आर नॉट रियली मल्टी लेयर्ड, ये वास्तव में मल्टी लेयर्ड नहीं होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, ड्यू टू डिफरेंस डिफरेंट इन शेप ऑफ सेल्स न्यूक्लियस आर अरेंज्ड इन सच अ वे दे अपीयर मल्टी लेयर्ड। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मल्टी लेयर्ड होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स के डिफरेंट शेप होते हैं उसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि ये मल्टी लेयर्ड अपीयर होते हैं। और ये इसका फिगर आप देख सकते हैं, ये सेल के सिंगल लेयर ही हैं लेकिन यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो छोटी हैं और कुछ सेल काफ़ी लंबी हैं, इनका शेप जो है वो काफ़ी अलग अलग प्रकार का है और अलग अलग प्रकार का सेल होने की वजह से इनके न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि ये मल्टी लेयर्ड अपीयर हो रही है लेकिन वास्तव में ये मल्टी लेयर्ड नहीं होती हैं। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के जो टाइप्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन सिलिएटेड और दूसरा होता है सिलिएटेड। तो जो नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं इनमें क्या होता है, सिलिया अब्सेंट होता है और इसका एग्जांपल है मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, जो मेल यूरेथ्रा का मिडिल पार्ट होता है उसमें, और पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड, इन दोनों प्लेसेस पे इस टाइप की एपिथेलियम पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट है सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है इसमें सिलिया प्रेजेंट होती हैं, इसमें जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं इनके फ्री एंड पे सिलिया प्रेजेंट होती हैं। और इसका एग्जांपल जो है वो है लैरिंग्स, यूस्टेशियन ट्यूब, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इन सभी प्लेसेस पे इस टाइप की एपिथेलियम पाई जाती हैं। तो ये रहा कंप्लीट सिंपल एपिथेलियम के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।